को माय लूट फैल गया, सब कैसे है? ठीक, हम भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे, खैर आप कैसे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और अगर अपना है हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये देखें, ये कल अम्मी बाज़ार गई थी ये तनवीर के साथ, तो ये खरबूज़ा ले आई। तो अभी इस मौसम का ये पहला खरबूज़ा हम खा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमने ये तरबूज ही लिया था, वही टेस्ट किया है। अभी ये कल लाई थी, तो अभी इनको अभी काट रहे हैं और फ्रिज में रख देंगे। फिर शाम को अम्मी आएंगे तो फिर ठंडा करके फिर ही खाएँगे। ये भी बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है, ख़ास तौर पे गुर्दों के लिए, किडनी के लिए। ये देखें वाइटी फैमिली, अभी मैं मसाला लाया हूँ, सब्ज़ी लेके आया हूँ, और ये आज कद्दू और चने की दाल मिक्स बनाएंगे। और ये अभी जो है जन्नत, देखें ये कद्दू छिल रही हैं। तो अभी ये सब्ज़ी वगैरह मसाला वगैरह तैयार करते हैं, काटते हैं, और साथ में ये भी खड़े हुए देखें, ये भी चेक कर रहे हैं, ये सब्ज़ी की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, सही लाए कि नहीं लाए। हाँ, इनका सारा दिन यही होता है। ये एक ही चीज़ के पीछे, एक मिनट भी इनको आराम नहीं होता। ये देखें माशाल्लाह से बड़े एक्टिव हैं, ये एक दूसरे से छीनते रहते हैं और खेलते रहते हैं। ये देखें जी, ये कद्दू को अच्छे से काट लिया है, टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे। और अब ये चने की दाल इसमें ऐड कर रहे हैं। लौकी के साथ खाएं या कद्दू के साथ तो बहुत टेस्टी बनती है, चने की दाल और लौकी या कद्दू। तो अब इन दोनों को अलग से बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे और मसाला वगैरह काट लेंगे। बाकी जो मसाला बनाएंगे वो हम उसमें बनाएंगे, कढ़ाई के अंदर। इस तरह तो एक टाइम बच जाएगा। अभी इसको वॉश करके चढ़ाती हूँ चूल्हे पे, ये भी बॉईल हो जाएगा। अभी इन दोनों को अभी वॉश करना है, कद्दू को और चने की दाल को। उसके बाद फिर जो है ये इनको बॉईल करते हैं। ये देखें, ये अपने काम में लगे हुए हैं सब्ज़ी काटने के लिए। इसको मैंने रखा है, मैंने कहा जब सब्ज़ी काट लो, ये बीच में आ गए। सबर करो, पहले हम काटते हैं सब्ज़ी, बाद में काटते हैं। ये सारा दिन का यही गेम चलता रहता है, वो उससे छीनता है, वो उससे छीनता है, ऐसे बस लड़ते रहते खेलते रहते। ये देखें ये देखें वो देख रहे कैसे खा रहे। मैं भी ऐसे खाऊँगा, ये देख रहे हैं। लेकिन ये प्याज जो है काट के और कढ़ाई में डाल दिए, अब इसमें ऑयल डाल रहे हैं। और कुछ ये प्याज ब्राउन हो जाए तो उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करते हैं। और दाल ये देखें, आसान में ये दाल जो है और कद्दू बॉयल हो रहे हैं, तकरीबन होने ही वाले हैं, काफ़ी देर हो गई, ये हो गई है। बस अभी खाली मसाला तैयार करना है बस। ये देखें जी, प्याज ब्राउन हो गए हैं और इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। ये कुछ ब्राउन हो जाए, अदरक लहसुन ब्राउन हो जाए, फिर कुछ मसाले ऐड करते हैं। देखें जी, अदरक लहसुन भी ब्राउन हो गया है इसमें, और अब इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। ये लाल मिर्च इसमें ऐड कर दिए, और ये इसमें पिसा हुआ धनिया, और इसके बाद जो है पिसी हुई हल्दी, और ये नमक हसबे ज़ायका। अब इसको
इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मसाला कुछ भुन जाए तो फिर इसके बाद टमाटर ऐड करते हैं। ये देखें जी, ये मसाले को अच्छे से भून लिए, अब इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। और टमाटर कुछ गल जाएँ उसके बाद फिर लौकी और चने की दाल जो अलग से बॉईल की हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको अभी दम पे रख देंगे, दम पे रखते ही टमाटर गल जाए। हाँ, कुछ गल जाएँ तो फिर ये हरा धनिया और हरी मिर्च जो है इसमें भी काट के रख लेते हैं और फिर ये आखिर में इसमें ऐड कर देंगे। खुशबू के लिए अच्छा होता है धनिया। मिर्चें तीखी हैं, मिर्चें बहुत तीखी हैं, काटिए तो मुझे खांसी आ रही है, काटने से ही खांसी आ रही है, क्योंकि फ्रेश है ना बिल्कुल, उनकी खुशबू तेज़ होती है। ये देखें टमाटर जो है अच्छे से इसमें गल गए, मैश हो गए, और हमने जो अलग से दाल और ये कद्दू जो है वो बॉयल करके रखे थे ये इसमें अभी ऐड कर रहे हैं। अब ये अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तकरीबन तैयार हो जाएगी जल्दी, तो पहले से ही दोनों बॉयल हैं। ग्रेवी में उबाल आ गया है और अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च जो अलग से काट के रखी थी इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको अभी अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन हाँ तैयार हो गया है, और अब इसको उतार लेते हैं। अच्छा जी, तो आज ना मुझे चेकअप के लिए जाना था हॉस्पिटल, केएमसी हॉस्पिटल, तो अभी ना मैं वहीं जा रही हूँ। जल्दी जल्दी भी हमने किया है, काम ख़त्म किया है, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं चेकअप के लिए। और ये जो है मेरी प्रिंसेस, ये भी साथ में जा रही है, और पहले तो सिस्टर को लेके जाती थी, लेकिन अब वो सिलाई का काम कर रही है, तो इसलिए मैंने अम्मी को बोला है कि अम्मी आप मेरे साथ चलें, तो ये भी साथ में जा रही है, तो इसको अकेला कहाँ छोड़ूंगी। तो अम्मी ने बोला चले सही है, तो अभी जा रही हूँ, अम्मी को वहाँ से लूँगी, उसके बाद फिर हम चलेंगे हॉस्पिटल चेकअप के लिए, आज चेकअप, तो चलते हैं। क्या बोल रही थी विनीश? बाय बाय बोल रही थी, इतनी जल्दी चले तो निकल जी। अच्छा जी, तो ये देखें मैं अम्मी के घर पहुँचा ही हूँ, तो अम्मी को, अम्मी भी रेडी हुई थी, तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं केएमसी चेकअप के लिए, केएमसी हॉस्पिटल। तो बिनिश के पापा ने बोला बाइक पे छोड़ो, मैंने कहा नहीं, हम मम्मी से पैदल चले जाएंगे, तो अभी हम ऐसे वॉक करते हुए जा रहे हैं। पूरी फैमिली जा रही है, बीनिश बहुत खुश है, मैं अपने घर में कुछ सामान लूँगी, तो इसलिए चलते हैं। अच्छा जी, तो अभी घर से रवाना हो गए हैं, सब जा रहे हैं, पूरी फैमिली है, मोमल की सास भी है, मोमल भी है, सबा, सलीम, नदीम, अम्मी, अब्बू सब जा रहे हैं, मेरी बड़ी सिस्टर भी है, पापा भी है, सब जा रहे हैं। तो ये बिनिश अम्मा मेरी सुनो गाल। अच्छा जी, तो अभी आए हैं बाज़ार में, तो यहाँ से ये कद्दू के कुछ कपड़े वगैरह देख रहे हैं, पत्नी ऐसे पेड़ लगी हुई थी तो देख रहे हैं। बहुत ही रश लगा हुआ है यहाँ पे, कपड़े वगैरह
तो माशाल्लाह कलर बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। गिर जाएगा तेरा सारा। रश भी बहुत लगा हुआ। चलो ये देखिए, यहाँ से मेरी बहन अपने बच्चों के लिए कपड़े देख रही है। देखिए माशाल्लाह रेडीमेड कपड़े हैं। इधर दुपट्टे लगे हुए, उधर भी पैंट शर्ट लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पर लेसें लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआ से खैरियत से हूँ। और आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं कि आप लोग जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी अपनी फैमिली के साथ शाद आबाद रहें। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीलोग अच्छा लगा होगा। और आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और कल एक नए वीलोग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।